हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, शुरू हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग। रोहित शेट्टी के साथ सारे के सारे कंटेस्टेंट्स अब दिखा रहे हैं अपने स्टंट्स, खेल रहे हैं खतरों के साथ। लेकिन शो शुरू होने से पहले ही रोहित शेट्टी को कौन लग गया है शो का विनर, किसको कहा रोहित ने कि ये होगा शो का विजेता, चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी उड़ान भर चुके थे और ऐसे में रोहित शेट्टी ने खुद भी इस बात की जानकारी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स गए हैं उसमें से एक को रोहित शेट्टी ने चुन लिया है और कह दिया है कि ये सबसे प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट साबित हो सकती है। सही सुना, हो सकती है। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, जन्नत जुबैर की। वेल, रोहित शेट्टी जन्नत जुबैर को कहने लगे हैं शो की छोटी शेरनी, क्योंकि जन्नत जुबैर हर टास्क को काफी शिद्दत के साथ कर रही हैं। खबरों की माने तो जन्नत एक ऐसी कंटेस्टेंट बन चुकी हैं जो खतरों से खुलकर खेल रही हैं और लड़ रही हैं। और ऐसे में रोहित शेट्टी ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि इस सीजन की विजेता बन सकती हैं कोई और नहीं बल्कि जन्नत जुबैर। और एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जहां पर रोहित शेट्टी अपनी इस छोटी शेरनी के साथ बैठे हैं और एंड में जहां एक को रोहित शेट्टी शेर बना दिए जाते हैं तो वहीं जन्नत जुबैर को बना दिया जाता है छोटी शेरनी। यानी कि अब अकॉर्डिंग टू रोहित शेट्टी इस साल जन्नत जुबैर उठाएंगी सीजन की ट्रॉफी। आप क्या कहेंगे, आपको कौन लगता है विनर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।